साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। सोमवार को झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भरी मीणा द्वारा जनपद में सुरक्षा व्यवस्था एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पेट्रोलिंग व चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही साथ महिलाओं तथा छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंटी रोमियो बाजारों में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पेट्रोलिंग व चेकिंग की गई। बैरियर पॉइंट्स पर पुलिस बल द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई और नियमों के अनुसार उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना नवाबाद क्षेत्र में पैदल मार्च किया गया। पैदल मार्च के दौरान रास्ते में आने वाले एक्सिस बैंक, HDFC बैंक को चेक किया गया। बैंक के अंदर लगे सुरक्षा संबंधी उपकरण जैसे अलार्म, CCTV कैमरे, फायर रोधी उपकरण आदि को भी चेक किया तथा बैंक के आसपास करीब 200 मीटर पर खड़े संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों को भी चेक किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सुबह करीब 10:30 बजे थाना सीबरी बाजार क्षेत्र के चेकिंग ड्यूटी पॉइंट चित्रा चौराहे पहुँचे, जहाँ क्षेत्राधिकारी नगर व थाना प्रभारी सीबरी बाजार उपस्थित मिले एवं चौकी प्रभारी चमनगंज उप निरीक्षक अंकित सिंह ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित पाए जाने पर प्रभारी चमनगंज को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पेट्रोलिंग, गश्त व चेकिंग में लगी टीम को भी चेक किया गया। साथ ही साथ ब्रीफ करते हुए उन्हें प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति व वाहन को बिना चेक किए ना जाने देने के संबंध में निर्देश दिए। बाद में उन्होंने SBI मुख्य ब्रांच का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैश वैन में लगे CCTV कैमरे की पिछले दिन की रिकॉर्डिंग को चलवाया। कैश वैन में तैनात सुरक्षाकर्मी के असलहा व कारतूस का निरीक्षण कर संबंधित सुरक्षाकर्मी एवं अधिकारी व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद BKD चौराहा स्थित MLC चुनाव की मतगणना हेतु बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया तथा तैनात अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। आज आपने जायजा लिया, क्या कमी पाई गई, क्या कार्रवाई के आदेश दिए? देखिए, ACSO महोदय, हमारे DGP महोदय के आदेश अनुसार, शासन की मंशा के अनुसार सोमवार को बैंक ATM सराफा मार्केट पर पुलिस की विशेष नज़र रहती है। उसी के तहत आज बैंक चेकिंग पूरे जनपद में अभियान चला। इस अभियान के तहत एक और जो चौकिंग चार थे वो निराधार पाए गए। बार बार निर्देश देने के बाद भी उनको लाइन हाजिर किया गया है, दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है। दूसरी ओर जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी वैन थी वो उनको चेक किया गया, बैंक ATM को चेक किया गया, तो वहाँ पर कुछ अनियमितताएँ पाई गई, उसके संदर्भ में जो समुचित विधिक कार्रवाई है वो संपन्न करवाई गई। बताया जा रहा है जो गार्ड थे उनके पास असला है, लेकिन वो वेपन उनके नहीं थे, क्या बात है? नहीं, असला भी उनके पास था और कारतूस भी उनके पास प्रॉपर थे, लेकिन जो प्रॉपर ड्रिल थी उसको वो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उसके विषय में संबंधित जो अधिकारी हैं उनको लिखा गया है और साथ ही साथ उनको हिदायत दी गई है कि दोबारा इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।